हरीश रावत रामनगर में थे और इसी दौरान उन्होंने फोन पर हरक सिंह से बात की। गणेश गोदियाल ने फोन मिलाकर दिया और फिर हरीश रावत ने हरक से बात कर रामनगर के आपदाग्रस्त इलाके चुकुम और सुंदरखाल गांव में आने का आग्रह किया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर हरीश रावत और हरक रावत की बातचीत फोन पर। मिनवल दो भाइयों से मिला दूं जरा एक मिनट एक मिनट। हेलो नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है, आप फॉरेस्ट मिनिस्टर, ये आपदा आई है चुकम गांव है, चुकम गांव मोहान के सामने उन पर, और एक सुंदर खाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। जिस समय आप और हम एक ही जगह थे, यशपाल आर्या जी भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, एक ही जगह थे उस समय, हमने इनके विस्थापन का कागज चलाया था, सुंदर खाल का भी, चुकम का भी चलाया था। इस समय आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद या सेक्रेटरी के बाद नहीं, फाइल रुकी पड़ी है, उसको जरा धक्का लगवा दो। देखिए भाई साहब, हम लोग कर जाते तो इस समय हमको पुण्य मिलता, अब आज आप तो कम से कम पुण्य करने के स्थिति में हो, जरा हाथ लगाओ और वो सुंदर खाल वालों के लिए कोई लाइट की व्यवस्था करवा दो। हाँ, वहाँ के लिए लाइट की उसकी व्यवस्था करवा दो। वैसे मैंने मिसेस धकाते से बात की है, मैंने कहा भाई जरा लिबरल एटीट्यूड अपनाओ, इस समय स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रूल से नहीं होगा, और यहाँ भी वही प्रॉब्लम है चुकम में भी, जरा इसको जरा आ करके देख लो एक चक्कर। जो बात हुई फोन लाइन पर हरीश रावत की ओर से वो अभी आपने पूरी देखी है, और हरीश रावत और हरक रावत की बातचीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं। कांग्रेस जहां इसे सामान्य बता रही है, वहीं भाजपा हरीश रावत पर सांप और नेवले वाली बात को लेकर हमलावर। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कभी भी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी राजनीतिक बातचीत हो सकती है, व्यक्तिगत संबंध भी लोगों के होते हैं और ये व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर बातचीत है। और हरीश रावत जी इस प्रदेश के ही नहीं देश के भी वरिष्ठतम नेता हैं, और जब वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे तो ये जरूरी भी हो जाता है, माननीय मंत्रीगण मंत्री हैं वर्तमान में हरक सिंह रावत जी, उस संदर्भ में उन्होंने बातचीत की है। बुजुर्ग का सम्मान भी किया जाता है, हरीश रावत जी भी अपनी उम्र के उस दौर में है, उसी को देखते हुए हरक सिंह जी ने कहा था। और हरीश रावत जी अब स्वयं को अगर हरक सिंह रावत के साथ बात में सांप और नेवले की जानकारी दे रहे हैं, तो ये तो प्रदेशवासियों को इस बात से संज्ञान लेना चाहिए कि जो नेता स्वयं को सांप और नेवले की बात कहे उसके बारे में लोग क्या राय ले सकते हैं, अपनी क्या राय दे सकते हैं। दोनों प्रतिक्रियाएं आपने देख ली। रामनगर दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बासपुर उनकी कर्मभूमि है और ऐसे में 2022 में बासपुर से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि भाजपा से कई लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं। हाँ, मेरी कर्मभूमि है, जो मेरा परिवार है, जहाँ के महान आवाम ने, जनता ने मुझे स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, आशीर्वाद दिया है। भाजपुर से मैं कहीं अपने को अलग नहीं कर सकता हूँ, भाजपुर का ही सेवक हूँ, भाजपुर में सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी यहाँ की सरकार, ये फिलहाल उनके लोगों को ही लगता है कि ये डूबती हुई नाव है, और उसमें से कुछ लोग अलग होकर कांग्रेस में आना चाहते हैं, उस डूबती नाव में सवार नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे में वो लोग भी हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे, विधायक रहे।